बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक थाना रेहड़ के उदयपुर गांव निवासी 28 वर्षीय कफील और 30 वर्षीय रिजवान बीती रात बाइक से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान सियोहारा थाना क्षेत्र में ठाकुरद्वारा मार्ग स्थित बरखेड़ा गाँव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में सामने से टक्कर मार दी, जिसमें कफील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिजवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को CHC पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रमंगा घाट पर हमारे दो रिश्तेदार यहाँ से सवारे से घर पर जा रहे थे और तेज ट्रक ने रमंगा घाट पर इनकी टक्कर मार के एक्सीडेंट हो गया, ताकि एक की तो मौके पर मौत हो गई और दूसरा बंदा गंभीर रूप से घायल है। अच्छा भैया, जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया कहाँ के निवासी थे? ये उदयपुर के हैं। थाना कौन सा लगता? थाना रेहड़ थाना लगता है।